हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉसम्स ऑफ हैप्पीनेस और एजुनो। मैं हूँ मधुस्मिता। सो फ्रेंड्स, स्टेटस से तो आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो क्या है। बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रही थी ये वीडियो बनाने के लिए, बट थोड़ा सा मैं लेट हो गई। तो आज मैं बात करने वाली हूँ इफोबिरिया बॉक्स के बारे में। ये है इफोबिरिया बॉक्स, इस तरह से ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इफोबिरिया बॉक्स एक ब्यूटी सोल्यूशन बॉक्स होता है। ईच महीने आपको 309 पे करना होता है, इंक्लूडिंग शिपिंग। इनका शिपिंग चार्जेस कुछ भी नहीं होता है, शिपिंग बिल्कुल भी फ्री होता है। अगर आप 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या 12 मंथ के लिए सब्सक्राइब करते हो तो इसका जो प्राइस है बहुत ज्यादा कम हो जाता है। यानी अगर आप 12 मंथ के लिए सब्सक्राइब करते हो तो इसका प्राइस हो जाता है 259 रुपीज। तो 259 रुपीज में आपको बहुत ही अच्छा अच्छा ब्रांडेड प्रोडक्ट मिलता है और एक ज्वेलरी भी मिलता है, एक मेकअप रिलेटेड एक चीज रहता है और साथ ही साथ स्किन केयर, हेयर केयर, इस तरह से बहुत सारी चीजें मिलता है जो कि आप ट्राई कर सकते हो। तो ये सारे थी इफोबिरिया की बॉक्स के बारे में। और भी सारे डिटेल्स जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इफोबिरिया बॉक्स का जो साइट का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी इफोबिरिया बॉक्स का अनबॉक्सिंग। एक्चुअली मैं बहुत ही पहले इसको ओपन कर चुकी हूँ। तो इफोबिरिया बॉक्स का जो पैकेजिंग है मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये एक पाउच में आता है। इफोबिरिया बॉक्स का सबसे पहला बात करते हैं पैकेजिंग की। हर महीने इफोबिरिया बॉक्स का जो पैकेजिंग होता है इस तरह से एक पाउच होता है। पाउच इस मंथ का जो है इस तरह से है, बहुत ही कूल सा कलर है इसका, क्योंकि इसमें भी लिखा है कूल और ये जो कलर है थोड़ा सा एक्वा ग्रीन टाइप का कलर है, तो ये बहुत ज्यादा समर में कूल कूलिंग इफेक्ट देता है। और यहाँ पर लिखा है एंजॉय हॉलीडे, तो बहुत ही अच्छा अच्छा प्रिंटेड यहाँ पर बना है, मॉकी है यहाँ पर, छोटे छोटे फीस भी है, छोटे छोटे पानी का जो बबल्स होता है इस तरह से प्रिंट में है। और जो पाउच का क्वालिटी की बात करती हूँ, बहुत मुझे ये स्टडी लगा और बहुत ज्यादा हार्ड भी है। आप इसको अपने मेकअप को स्टोर करने के या अगर आप ट्रैवल करते हो तो आप इसके अंदर अपनी ज्वेलरी वगैरह, मेकअप वगैरह भी स्टोर करके ले सकते हो। और जीप का क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं जीप का क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इसके अंदर रहता है मेरा सारे प्रोडक्ट। जब मैं इस पाउच को ओपन करती हूँ तो मुझे मिलता है ये एक कार्ड, और ये जो कार्ड है ये इसमें लिखा होता है बॉक्स का थीम, और यहाँ पर लिखा है मेक योर ओन सनशाइन। तो ये मंथ का जो थीम है, समर स्पेशल ये थीम है, और यहाँ पे लिखा है मैं इफोबिरिया बॉक्स, और साथ ही साथ प्रोडक्ट है डिटेल्स यहाँ पर लिखा है विथ प्राइस। तो ये था कार्ड के बारे में। उसके बाद आते हैं पहला प्रोडक्ट की। पहला प्रोडक्ट जो मुझे मिला है वो है 7C की तरफ से लिक्विड लिपस्टिक, और इसका सेट नंबर जो मुझे मिला है वो है 117 और प्राइस है इसका 299 रुपीज। तो ये है 7C का लिपस्टिक और ये मेरे पास आ गई है ये सेट में, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक पिंक कलर का सेट था, वो भी इफोबिरिया बॉक्स में मुझे बहुत पहले मिला था। बहुत अच्छा सेट है और बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग वाला ये लिपस्टिक होता है 7C का। बहुत सारा मैं लिपस्टिक ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ। लिक्विड लिपस्टिक जो होता है वो वाटर प्रूफ होता है और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मुझे लिक्विड लिपस्टिक। तो एक स्वाचेस में मैं आपको दिखाना चाहूंगी, तो ये देख सकते हैं आप कितना ज्यादा रेडिश कलर में है ये। और अगर आप नाइट आउट के लिए पार्टी में जाते हो या डे आउट के लिए भी बाहर जाते हो तो ये सेट आपको बहुत ज्यादा ब्राइट बनाएगा, क्योंकि अगर समर होता है तो हम लोग ट्राई करते हैं कि लाइट कलर वेयर करने के लिए, और लाइट कलर के साथ ये जो कलर है बहुत अच्छा जाएगा। तो ये था मेरा पहला प्रोडक्ट जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, ये है 299 रुपीज का। उसके बाद आते हैं सेकेंड प्रोडक्ट की। सेकेंड प्रोडक्ट है एम ग्रीन की तरफ से सन इरेज कूलिंग समर फेशियल ऑयल, और इसका जो प्राइस है वो है 1199। आप प्राइस सुन के चौंक मत जाना, क्योंकि ये जो फेशियल ऑयल होते हैं बहुत ज्यादा महंगा आता है और मुझे फेशियल ऑयल यूज करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और इसका ये खासियत ये है कि ये समर स्पेशल फेशियल ऑयल है और प्राइस तो 1200। तो ये है एम ग्रीन की तरफ से स्पेशल ऑयल और इसका पैकेजिंग कुछ इस तरह से है। बहुत ज्यादा सिंपल है इसका, तो मैं इसको ऑलरेडी ओपन कर चुकी हूँ बट इसको मैंने स्मेल नहीं किया था, तो मैं अभी आपको बताऊंगी इसका स्मेलिंग किस तरह से है। इस तरह से छोटा सा ओपनर भी दिया गया है क्योंकि ये लीक ना हो, और स्मेल इसका बहुत ज्यादा हर्बल टाइप का स्मेल है। तो इसको आप किस तरह से यूज करना है मैं आपको बता देती हूँ। इसको आप नॉर्मली जिस तरह से फेस वॉश करने के बाद थोड़ा सा फेस को ड्राई कर सकते हैं, उसके बाद ये जो फेशियल
ऑयल को लेकर अपने फेस को अच्छी तरह से मसाज करना है। मसाज करने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है और समर स्पेशल है तो ये टैनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये इसमें जो सारे इंग्रेडिएंट है बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक वाला इंग्रेडिएंट है, बहुत ज्यादा नेचुरल है। इसमें है जोजोबा ऑयल, कोकोनट ऑयल, टैमोनू ऑयल और कार्डमम है इसमें। तो ये तो मैं पक्का ट्राई करूंगी। तो ये था मेरा सेकंड प्रोडक्ट जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि बॉक्स का प्राइस है 309 रुपीज और आपको प्रोडक्ट मिलता है 1200 का, तो और आपको क्या चाहिए। तो ये था मेरा सेकंड प्रोडक्ट। अभी आते हैं थर्ड प्रोडक्ट की। तो थर्ड प्रोडक्ट जो है ये है आयरेनियम की तरफ से नेल एंड क्यूटिकल हेल्थ क्रीम, और इसका जो प्राइस है वो है 300 रुपीज। ये एक हेल्थ क्रीम है यानी नेल क्रीम है, इस तरह से ये पैकेजिंग होके आया था। ये है नेल एंड क्यूटिकल क्रीम और ये है आयरेनियम की तरफ से। आयरेनियम का भी मैं काफी सारा प्रोडक्ट जो है यूज कर चुकी हूँ। ये थोड़ा सा लैवेंडर कलर में है और फ्रेग्रेंस भी उस तरह से ही है लैवेंडर कलर का। तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग तो फेस को बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं बट नेल्स को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको दिखाऊंगी मेरा नेल्स कितना ज्यादा छोटे छोटे होके रखा है, क्योंकि मेरा जो नेल का ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको तो मैं पक्का ट्राई करूंगी ताकि मेरा नेल जो है थोड़ा सा ग्रो हो पाए और मैं अच्छे से अपना एक नेल पॉलिश भी लगा सकूं। तो ये था मेरा थर्ड प्रोडक्ट। उसके बाद आते हैं फोर्थ प्रोडक्ट पर। फोर्थ प्रोडक्ट है एक पेयर ऑफ इयररिंग जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एक पेयर ऑफ मीनाकारी इयररिंग मुझे मिला है, इसका प्राइस है 250 रुपीज। और इकोवीरा बॉक्स का जो खासियत ये होता है कि लास्ट प्रोडक्ट उनका रहता है कि ज्वेलरी, ये एक इयररिंग्स होता है नहीं तो नोचपिन होता है और जो भी ज्वेलरी एक होता है। तो इस पर मुझे एक इयररिंग्स मिला है, एक टैसल इयररिंग। टैसल इयररिंग आप सभी जानते हैं कि कितना ज्यादा अभी ट्रेंडी में है, तो मुझे टैसल इयररिंग भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट हेवी रहता है। और कलर देखिए कितना ज्यादा प्यारा है, पिंक कलर का है और समर में इस तरह से जो कलर होता है ना वेयर करने से बहुत ज्यादा अच्छा एक इफेक्ट देता है। तो ये है टैसल इयररिंग और ये एक ड्रेस के साथ भी ये बहुत अच्छा जा रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको पहन के भी दिखा देती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप पहनने के बाद कितना ज्यादा ये प्रीटी लग रहा है और मेरे फेस में किस तरह से लग रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और ये जो टैसल है बहुत ज्यादा हेवी भी नहीं फील होता है इयररिंग्स पहनने के बाद, तो इजीली आप पूरा दिन भर इसको कैरी करके रख सकते हो, क्योंकि मैं इतना ज्यादा हेवी इयररिंग्स नहीं पहन पाती हूँ। तो बस ये था मेरा मे मंथ का इकोवीरिया बॉक्स जो है बिल्कुल भी खत्म हो चुकी है और अंदर का जो क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा अच्छा लुक ये देता है और काफी ज्यादा स्टडी है, काफी ज्यादा हार्ड है। तो आप जो भी ज्वेलरी वगैरह हो अपने इसके अंदर रख सकते हैं। ट्रैवल के टाइम पर ये जो पाउचेस होता है बहुत ज्यादा काम देता है। तो ये था मेरा मे मंथ का इकोवीरिया बॉक्स। बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी ये बॉक्स कब आएगा, तो फाइनली ये बॉक्स आ चुका है और मेरा जो इंतजार है वो खत्म भी हो गई है। तो ये बॉक्स में मुझे तो अच्छा लगा, एम ग्रीन का जो था फेशियल ऑयल और साथ ही साथ ये जो लिक्विड लिपस्टिक था ये भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर सारे प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो जल्दी से इकोवीरिया बॉक्स साइट पे जाइए और अपने लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। प्राइस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, 309 रुपीज इंक्लूडिंग शिपिंग। उम्मीद करती हूँ ये जो वीडियो है आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का बटन उसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी आप अच्छे वीडियो देख पाएंगे। तो मैं मिलती हूँ और एक नया वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी।